जय हिंद दोस्तों। दोस्त आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्त जब भी हम लोग मूवीज देखते हैं, जब भी हम लोग ताश की गड्डी खेलते हैं, जब भी हम लोग गेम खेलते हैं या बक्के लड़ाते हैं या इधर उधर घूमते हैं, तो कोई भी पूछता है तो हम लोग कहते हैं क्या कि टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने हम लोगों पर मेहरबान हुआ है कि 24 घंटे की जगह 28 घंटे दे रखा है, जो ज्यादा समय होने की वजह से हम लोग समय को व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ऊपर वाले ने हम लोगों पे मेहरबान हुआ है, इस कदर बात करते हैं कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भूल रहे हैं कि दुनिया में जितना सब किसी को वक्त दिया गया है, उतना ही मेरे पास भी है। 24 घंटा ही है हम लोगों के पास, उतना दुनिया में हर किसी के पास है। उसी 24 घंटा में हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, न कि हम लोगों को 28 घंटा दिया गया है। और उस 24 घंटा में यदि हम लोग समय को समय से यूज नहीं करेंगे, तो वही वक्त एक दिन वक्त पे दिखाएगा कि जो आपने पीछे जिस वक्त को छोड़ा है, वही आप वक्त आज आपको दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। वक्त जब बदलने पे आता है तो जरा भी वक्त नहीं देता, नहीं संभलने का और नहीं बदलने का। जब वक्त बदलने पे आता है तो थोड़ा सा भी वक्त नहीं देता कि हम लोग सुधर जाए या बदल जाए। आप में इतना ताकत नहीं है कि आप वक्त को पीछे से आगे ले जा सके। आपको इतना भी पावर नहीं है कि जो वक्त आपने बहुत बखूबी मजे से बर्बाद किया, उसको आप वापस ला सके। वक्त रहते बदल जाइए, नहीं तो जब ये वक्त आपको बदलेगा ना, तो बहुत ही पीड़ा होगा, बहुत ही आपको कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए वक्त रहते संभालिए, खुद को जानिए कि अपने समय को कैसे यूज में लाया जाए। हर 24 घंटा आपके लिए उतना ही उपयोगी है जिस वक्त आप ये सांस ले रहे हैं। पानी के अंदर अगर 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 1 मिनट आपको बर्दाश्त नहीं होता है, जितना महत्वपूर्ण उस समय आपको समय का कीमत लगता है, उतना ही समय हर पल आपको लगना चाहिए, तब जाकर के आप अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। बिगर समय का उपयोग किए बेहतर से आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपने समय को बदल नहीं सकते हैं। समय ही पैसा है, समय ही सब कुछ है। आप इस धरती पर रहे या न रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है समय को। समय धीरे धीरे ही सही चलता है, बदलता है। मेरे दोस्त, समय रहते खुद को बदलिए, टाइम पास यूं ही मत कीजिए मूवीज देखने में या वगैरह वगैरह ऐसे काम करने में जो आपको या अपने परिवार को या समाज को कहीं भी ले नहीं जा सकता। समय बदलता है, यदि आप मेहनत करते हैं, अपने समय को बखूबी उपयोग करना जानते हैं, ये वक्त अभी बुरा है आपके साथ, इसका उपयोग आप कर रहे हैं ना, तो यकीनन आपको बेहतर दिन देखने को मिलेगा। आप जिस मुकाम पे हो, तो जो पीछे आपने जितना वक्त दिया होगा, उसी के हिसाब से आप इस वक्त पे हो। और ज्यादा आप वक्त देते हैं उस काम में, उस चीज में जहाँ आपको जाना है, यकीनन आप उस फील्ड में जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा। यदि आप उस समय को बेहतर से उपयोग करना चाहते हैं, बेहतर से उपयोग कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, तो आप उस स्तर पर जरूर जाइएगा। वक्त नहीं बदलता अपनों की वजह से, अपने ही बदल जाते हैं वक्त की वजह से। आज आपका बुरा वक्त है, आज आपका बहुत यानी कि बुरा हालत है, तो आपका हर रिश्तेदार, हर वो अपने बदल जाएंगे, क्योंकि आज आपका बुरा वक्त है। यदि आपका समय सही आ गया, आपके पास वो हर चीज है जो आपके जरूरत के साथ साथ उन सब को भी जरूरत बनता है, तो हर वो चीज, हर वो व्यक्ति आपके पास आएगा, हर वो रिश्तेदार आपके पास आएगा, क्योंकि वक्त नहीं बदलता अपनों की वजह से, अपने ही बदल जाते हैं वक्त की वजह से। इसलिए अपने समय को, अपने टाइम को बेहतर बनाना जानिए, सही से उपयोग करना जानिए। आज आपका समय सही है तो हर कोई आपके साथ रहेगा, आज आपका समय गलत है, बुरा है, तो आपके साथ कोई नहीं आने वाला है। बुरे वक्त में और ज्यादा हम लोग समय को बर्बाद करना जानते हैं, और ज्यादा हम लोग टेंशन में समय को बर्बाद करते हैं, समय को ऐसे ही जाने देते हैं। लेकिन समय को ऐसे जाने देने से बेहतर है कि उसी समय में अपने आप को बेहतर सिद्ध करना और अपने समय को ऐसे उपयोग करना जैसे कुछ बीते हुए सालों में, बीते हुए क्षणों में हम लोगों ने उपयोग नहीं किया होगा, उससे बेहतर उपयोग करना चाहिए। यदि आप आज का समय बुरा है, बेहतर बनाने के लिए अगर आपको बेहतर बनना है, तो बुरे समय से लड़ना पड़ता है, बुरे समय में ही अपना बेहतर समय बनाना पड़ता है। अच्छे समय में कभी अच्छा समय नहीं बन सकता है। यदि आप आज पीड़ा में हैं, आज आपको बहुत ज्यादा परेशानियां है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो यकीनन
आपको आने वाले समय में बेहतर से बेहतर समय देखने को मिलेगा। टाइम पास हम लोग करना बंद करें। टाइम पास एक ऐसा वर्ड है जो हम लोगों को लगता है कि समय हम लोगों के पास बहुत ज्यादा हो गया है। समय हम लोगों के पास सिर्फ 24 घंटा ही है और इसी 24 घंटा में खुद को निखारना है, खुद को बेहतर बनाना है, खुद को इस लायक बनाना है ताकि अपने माँ बाप का नाम रोशन हो, समाज का नाम रोशन हो और देश का नाम रोशन हो। यही 24 घंटा हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। ऊपर वाले ना किसी के लिए 28 घंटा बनाए हैं, ना 30 घंटा बनाए हैं, हर किसी को 24 घंटा ही दिया गया है। इसी 24 घंटा में हम लोग बेहतर बनना है। और जो टाइम पास के नाम पे हम लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों के पास समय ऐसे बचा हुआ है जैसे इसका कोई कीमत ही नहीं है। हर पल समय आपके लिए उपयोगी है, ना जाने आपका कब ये जो सांसें चल रही है बंद हो जाए। किसी न किसी वक्त में तो बंद हो जाएगा ना, किसी न किसी वक्त में बंद होगा। तो समझिए यही हमारा आखिरी पल है, यही हमारा आखिरी दिन है। इसी को हम लोग कैसे बेहतर से बेहतर बना सकें। यदि हर दिन हर घंटे को आप महत्वपूर्ण समझते हैं, यकीनन आपके लिए हर वो दिन बेहतर होगा, हर वो साल बेहतर होगा जिस वक्त के आपने वक्त समझा, बेहतर समझा। दोस्त यदि आपका समय बेहतर रहेगा, सही रहेगा, आपके लिए कामगार साबित रहेगा, तो हर वो व्यक्ति आपके साथ रहेगा जो आपसे लगाव रखे या ना रखे, आपसे जुड़ना चाहता है कि वो व्यक्ति के अच्छा समय है, उसे यदि आप संपर्क रखते हैं तो लाभ होगा। तो हर व्यक्ति आपसे मिलने आएगा, हर वो व्यक्ति आपको पसंद करेगा। कोट्स है, अच्छे वक्त के उजाले में जो चमक रहे थे मोतियों की तरह, अच्छे वक्त के उजालों में जो चमक रहे थे मोतियों की तरह, पूरे वक्त की रात में वही नजर आए कोयले की तरह। तो जब आपका अच्छा वक्त रहेगा ना, तो हर कोई आपके साथ रहेगा। यदि ही आपका बुरा समय आया तो हर कोई आपसे देह छुड़ाना पड़ेगा, आपसे रिश्तेदारी छुड़ाना चाहेगा। उसका बुरा वक्त आ गया, उसको मदद करना होगा, उसको पैसा देना पड़ेगा, उसको साथ देना पड़ेगा। जब तक आपका अच्छा समय है, आप बेहतर से अपना समय को उपयोग कर रहे हैं, तो हर कोई आपके साथ रहेगा। जैसे ही आपके ऊपर बुरा समय आया, हर कोई आपसे समय छुड़ाना पड़ेगा, हर कोई आपसे साथ छुड़ाना चाहेगा। मेरे दोस्त समय का सही से उपयोग कीजिए। समय को एक ऐसा कोहिनूर की तरह समझिए, ऐसा आभूषण की तरह समझिए, यदि आपके पास है चला गया तो आप कंगाल हो जाइएगा। समय है तो हर चीज आपके साथ आ सकता है, हर वो चीज आप ले सकते हैं। समय एक बार चल गया तो आप कुछ नहीं ले सकते हैं। समय से आप पैसा खरीद सकते हैं, हर वो चीज खरीद सकते हैं जो आपको चाहिए समय से, लेकिन पैसे से आप समय नहीं खरीद सकते हैं। समय से आप पैसा खरीद सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। ऐसा इसलिए कि समय को आप सही से उपयोग किया है, समय से आप पैसे कमा रहे हैं, समय को आपने समय दिया है, आप उसे पैसे बना रहे हैं। लेकिन जो वक्त आपके साथ बुरा वक्त बीत गया और आप चाहिएगा आपके पास पैसा है वो समय खरीद ले, तो यकीनन वो नामुमकिन है, वो आप नहीं कर सकते हैं। पैसे में वो ताकत नहीं जो समय खरीद सके। कितना बहुत सारे पैसे वाले और बहुत कोई आए और चले गए, इस समय को कोई फर्क नहीं पड़ा। समय ने हर किसी को दिखा दिया कि उसमें कितना ज्यादा ताकत होती है। समय से बलवान इस दुनिया में कोई नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि समय हर किसी को सिखाता है सबक, समय हर किसी को सिखाता है सबक। दोस्त यदि आपका समय आज बुरा है तो घबराइए नहीं, आपका भी समय बहुत बेहतर आएगा। आप भी अपने समय को बस सही से इस्तेमाल करना चाहिए और टाइम पास को अपने पास से दूर कीजिए और समय को हर पल को उपयोग में लाइए और देखिए यकीनन आने वाले कुछ सालों में ये भी समय और ये रिश्तेदार, ये दुनियादारी, हर कोई आपके साथ रहेगा। बस आप टाइम पास से अपना टाइम पास छुड़ाइए और उसको दूर कीजिए, क्योंकि टाइम पास कुछ नहीं होता है। जो चला गया समय उसको आप दोबारा नहीं ला सकते हैं। पैसा चला जाता है, कोई चीज चोरी हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसको वापस लाया जा सकता है, लेकिन एक बार जो समय चला गया, एक बार जो ये समय निकल गया, तो दोबारा कभी नहीं आ सकता है और कभी नहीं आ सकता। मेरे दोस्त अगर वीडियो जरा भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि टाइम पास करना कितनी बुरी चीज है, कितना गलत चीज है, खुद को आप कहाँ पे ले जा रहे हो। जय हिंद।